पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। इस पावन अवसर पर सभी बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती नजर आ रही है। तो वहीं पर ज्योति पुंज फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर अभिषेक स्लम एरिया गए और वहां जाकर स्लम एरिया की अनाथ बच्चियों से उन्होंने राखी बंधवाई है। इस मौके पर वो कहते नजर आए हैं कि जब से इन बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, उस वक्त से मैंने ये प्रण ले लिया है कि इन तमाम बहनों की रक्षा करूंगा जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहता हूँ। जी हाँ, डॉक्टर अभिषेक कहते नजर आए कि जैसे ही इन बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, वैसे ही मैंने ये प्रण ले लिया है कि मरते दम तक इन बहनों की रक्षा करूंगा। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अभिषेक जब इस स्लम एरिया पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने राखी बंधवाई और उपहार स्वरूप सभी 6 बहनों को दुकानें भेंट दी है। हम आपको बताते चले, इस तरह के काम लगातार ज्योति पुंज फाउंडेशन करता आ रहा है और अब रक्षाबंधन के मौके पर ये नया इनिशिएटिव लेते ज्योति पुंज फाउंडेशन नजर आया है, जहां पर इन बहनों की कलाई पर राखी बंधवाने के बाद जो वहाँ से रोकिए ना, अभी रोकिए बस सब। सुनिए कि डॉक्टर अभिषेक ने क्या कुछ कहा है। बहुत सुखद अनुभूति हुई है इनके बीच आकर के, जो निश्चल प्रेम होता है बिना किसी दांव पेच के, मन के साफ लोग इनके बीच आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो समाज में कुछ कर पाने की क्षमता रखता है, उसे चाहिए कि निरंतर अच्छे कामों में सहयोग करे। और सब लोग आए, यहाँ आए, समस्याओं को समझें और अपने अपने स्तर से, क्योंकि एक अकेला मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन समाज, अगर पूरा समाज लगेगा अपने अपने स्तर से, हर कोई योगदान करे, तब इनकी जीवन शैली और जीवन स्तर में जो उचित हम लोग चाहते हैं कि और बढ़ोतरी हो और ऊँचा आए, शिक्षा का प्रसार हो, बच्चे पढ़ें, उस दिशा में हम लोग कुछ कर पाएंगे। साथ ही रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आप सबों को भी शुभकामना देता हूँ। ढेर सारी बहनों ने मुझे राखी भी बांधी यहाँ, बड़ा अच्छा लगा। और ये ऋण जो है राखी का, अपने तरफ से प्रयास करूँगा कि यथाशक्ति जब जो संभव हो इनके लिए मैं कर सकूँ। क्या दे रहे हैं बच्चे लोगों को? बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, शिक्षित होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। हम लोग तो स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और प्रेरित करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलो, शिक्षित बनो, स्वावलंबी बनो, किसी पर आश्रित मत रहो, अपने पेड़ पे खड़े हो जाओ, यही हम लोग इनको समझा रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।